आज हमारा टॉपिक है लंग एब्सेस। तो हम देखते हैं लंग एब्सेस होता क्या है। जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया कोई भी इन्फेक्शन एंटर करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लंग्स के जिस पार्ट पे इन्फेक्शन होता है उसमें एक कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जिन सेल्स में इन्फेक्शन हुआ है उन सेल्स के जो डेब्रिस जो भी डेड सेल्स होती हैं या फ्लूड रहता है पस फॉर्मेशन उस कैविटी में आके फॉर्म होने लगता है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। नेक्रोसिस ऑफ लंग्स पैरेन्काइमल सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज फिल्ड विथ डेब्रिस और फ्लूड कॉज बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमल सेल्स कौन सी होती हैं, हमारी जो लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो लंग्स की जो सेल्स होती हैं उनको हम पैरेन्काइमल सेल्स कहते हैं। तो उनमें नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब डेड सेल्स हमारी डेड हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया की। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कैविटी फॉर्म होती है जो कि डेब्रिस और फ्लूड से भरी हुई होती है जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम डील करेंगे कि क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। तो हमने लंग एब्सेस के क्लासिफिकेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक प्राइमरी इन्फेक्शन या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो फिर प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में डील करा था कि कोई भी इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन मतलब इन्फ्लेमेशन, तो हम उसको निमोनिया बोल सकते हैं कि पैरेन्काइमल सेल्स का जो इन्फेक्शन होता है उसको हम निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर निमोनिया की वजह से वहाँ पे कोई भी पस फॉर्मेशन हो रहा है या लंग एब्सेस हो रहा है तो उसे हम प्राइमरी इन्फेक्शन या प्राइमरी लंग एब्सेस बोलेंगे। इसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन में, सेकेंडरी लंग एब्सेस या सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होता है, निमोनिया छोड़ के, मतलब जो निमोनिया की वजह से ना हो के किसी और कारण की वजह से इन्फेक्शन अगर हो रहा है, जैसे कि हम पेशेंट इतना एबल नहीं है, अगर उसके ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस में कोई भी डिसफंक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में एस्पिरेशन, मतलब हम जो ईसोफेगस में जाने वाला कंटेंट है वो हमारे ट्रैकिया में चला जाएगा तो हम एस्पिरेट कर जाएंगे। तो एस्पिरेट करने की वजह से जो भी इन्फेक्शन, एस्पिरेशन करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन होगा, उसके बाद में वहाँ पे कैविटी बन जाएगी, उसके बाद में हमारा लंग एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि एस्पिरेशन मतलब कि एयर के अलावा कोई भी पार्टिकल जो हमारे ट्रैकिया में जाता है या हमारे लंग्स में एंटर करता है उसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं। तो हमने प्राइमरी इन्फेक्शन में या प्राइमरी लंग एब्सेस में देखा कि निमोनिया की वजह से अगर लंग एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है तो हमने उसको प्राइमरी इन्फेक्शन या प्राइमरी लंग एब्सेस बोला। देन सेकेंडरी में निमोनिया को छोड़कर या फिर एस्पिरेशन एक एग्जांपल ले सकते हैं, उसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या लंग एब्सेस हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी लंग एब्सेस या सेकेंडरी इन्फेक्शन बोल सकते हैं। देन इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों की वजह से हमारी बॉडी में लंग एब्सेस हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एस्पिरेशन ऑफ मटेरियल इनटू लंग्स, तो एस्पिरेशन के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अगर हमारी बॉडी में एस्पिरेशन हो गया है तो उसके रिस्क फैक्टर मतलब किन किन वजहों से हमारी बॉडी में एस्पिरेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहलिज्म। तो अल्कोहलिज्म में हम देखेंगे जैसे कोई पेशेंट अल्कोहल एब्यूज़ करता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो ब्रेन होता है वो इतना एबल नहीं होता, अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है, उसकी वजह से उसके जो एपिग्लोटिस और ग्लोटिस के फंक्शंस रहते हैं उसमें डिसफंक्शन हो जाता है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि जब पेशेंट अल्कोहलिक स्टेज में हो उस टाइम पे उसको एस्पिरेशन हो जाए। देन उसके बाद में देखेंगे ड्रग ओवरडोज। तो ड्रग ओवरडोज में क्या होता है, हमारी बॉडी में जब हम किसी भी ड्रग को, जो नॉर्मली एक मेडिसिन भी है, अगर हम उस मेडिसिन का ओवरडोज ले लेते हैं तो उसको एक ड्रग ही बोला जाता है। तो क्या होता है, अगर उस मेडिसिन का हम ओवरडोज ले लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। टॉक्सिसिटी क्रिएट होने के साथ साथ में हमारी बॉडी में डिसफंक्शंस भी देखने लगते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी, हमें अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो गया। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो एस्पिरेट कर जाए। इसके बाद में सीजर डिसऑर्डर। तो सीजर डिसऑर्डर्स में क्या होता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं रहता, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, तो उस टाइम पे भी हो सकता है कि हमारे सीजर्स के टाइम पे अगर हम, मतलब पेशेंट ने जिसको सीजर्स डिसऑर्डर है उस टाइम पे उसने कुछ भी खाया या पिया तो वो ईसोफेगस की बजाय अगर ट्रैकिया में एंटर कर गया तो एस्पिरेशन हो सकता है। देन उसके बाद में कोई भी सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को हम CVA भी बोलते हैं। तो क्या होता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में भी वही होता है, जो हमारे ब्रेन की सेल्स होती है उनमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, तो इसको हम स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो स्ट्रोक की कंडीशन में एस्पिरेशन हो सकता है। देन इसके बाद में
देखते हैं अब हमारे ये कंडीशंस मतलब रिस्क फैक्टर की किन किन कंडीशंस की वजह से हमें एस्पिरेशन हो सकता है वो इसके बाद में हम देखेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं लंग एब्सेस के। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, जो हमारे आर्टरीज होते हैं उनमें ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो ब्लड में क्लॉट हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, हमारी आर्टरीज में प्रॉपर ऑक्सीजन ना तो आ पाएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड हम उसको दे पाएँ। तो क्या होगा, इसकी वजह से हमें लंग एब्सेस हो सकता है, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेगा, तो हो सकता कि हमारी सेल्स में नेक्रोसिस हो जाए। देन इसके बाद में हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस टीबी, तो इसमें भी निमोनिया, निमोनिया एक कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अपने प्राइमरी इन्फेक्शन या प्राइमरी लंग एब्सेस में देखा था कि निमोनिया एक कंडीशन हो, सॉरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी डिफरेंस है, न्यूमोनिया और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में डिफरेंस है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हमें लंग एब्सेस हो सकता है। देन उसके बाद में हम देखेंगे मैलिग्नेंट ग्रोथ, तो मैलिग्नेंट ग्रोथ किसी भी ट्यूमर की हो सकती है, या तो मतलब जो ट्यूमर कंटिन्यूसली फैलता जा रहा है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलता जा रहा है, और तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि लंग एब्सेस हो सकती है। देन इसके बाद में हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं, मतलब हाँ लंग एब्सेस के साइन एंड सिम्टम्स हम क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसी पेशेंट की बॉडी में अगर इन्फेक्शन है तो फीवर हो सकता है, तो फीवर का ग्रेड हो सकता है 101, ठीक है, डिग्री, या किसी को चिल्स भी आ सकते हैं उसके साथ में। चिल्स हर किसी के साइन एंड सिम्टम्स में नहीं देखने मिलेंगे, बट किसी किसी को चिल्स भी हो सकता है। देन इसके बाद में डिस्निया, तो हमें पता है कि लंग एब्सेस हुआ है, तो लंग एब्सेस में क्या हुआ है, जो हमारे लंग्स हैं एब्सेस की वजह से एकदम फिल्ड हो चुके हैं, और उनमें क्या है, प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ सेल्स हमारे डेथ हो चुके हैं जिनकी नेक्रोसिस हो चुकी है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमें डिस्निया हो सकता है। देन प्रोडक्टिव कफ, तो प्रोडक्टिव कफ में हम देखते हैं कफ के साथ साथ म्यूकस या स्पुटम का आना, तो इसमें हो सकता है कि प्रोडक्टिव कफ भी आए, मतलब स्पुटम के साथ कफ भी आ सकता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं टैकीपनिया एंड टैकीकार्डिया, तो हमें डिस्निया हो रहा है, अगर किसी भी पेशेंट को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी तो वो कोशिश करेगा कि वो जल्दी जल्दी सांस ले, ठीक है, कोशिश करेगा कि वो इजीली मतलब ट्राई करेगा कि वो सांस ले पाई अच्छे से, ठीक है, तो उसके लिए उसकी ब्रीथिंग रेट भी बढ़ेगी और पल्स रेट भी बढ़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद में फीवर मैंने बताया था पायरेक्सिया 101 डिग्री तक रहता है, और चिल्स भी आ सकता है। हेमोप्टाइसिस, तो हेमोप्टाइसिस होता है हमारा कफ में ब्लड आना, तो क्या होता है, जब हमारा जो लंग्स है वो एकदम पस से भरा हुआ है तो क्या करेंगे, हमें कफ हो रहा है, प्रोडक्टिव कफ तो हो रहा है, तो अगर हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें ज़ोर ज़ोर से कफ आएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कफ हमारा आर्टरीज से बना हुआ है, आर्टरीज से चिपका हुआ है, तो वो एकदम से बाहर निकलेगा, तो आर्टरीज से एकदम से स्ट्रेच आउट होगा, तो क्या होगा, जो हमारे आर्टरीज हैं या जो कैपिलरीज हैं वो रप्चर होंगी, तो उसकी वजह से स्पुटम में ब्लड भी आ सकता है या कफ में ब्लड भी आ सकता है। देन उसकी वजह से नौजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, ठीक है, नौजिया वॉमिटिंग, और इसके साथ साथ और सिम्टम्स हैं जिसे हम बोल सकते हैं एनोरेक्सिया, तो हमें देखा जाता है जब किसी पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ या हेमोप्टाइसिस होता है तो उसके एनोरेक्सिया मतलब एपेटाइट पे फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि हम लंग एब्सेस वाले पेशेंट के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, तो हिस्ट्री टेकिंग में हम उससे ये पूछते हैं कि कब से ये प्रॉब्लम हो रही है, या कितनी बार फ्रिक्वेंट तो नहीं है ये प्रॉब्लम, एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका चेक करेंगे कि उसको क्रैकलिंग साउंड्स आ रहे होंगे, ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि उसकी लंग्स मतलब चेस्ट में कुछ भरा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में हम करवा सकते हैं चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं पता करने के लिए, जब हमें क्रैकलिंग साउंड्स आ रहे हैं तो हमें पता करने के लिए कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम कहाँ है, चेस्ट में प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। देन उसके बाद में हम ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, स्पुटम जो प्रोडक्शन हो रहा है, कफ प्रोडक्शन हो रहा है, उसका स्पुटम कल्चर करवा सकते हैं। देन उसके बाद में हम ब्रोंकोस्कोपी, तो ब्रोंकोस्कोपी अगर हमें चेस्ट एक्सरे से पता नहीं चल रहा है, सीटी से पता नहीं चल रहा, तो हम ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं, जिससे हमें प्रॉपर कंडीशंस पता चल जाएंगी इजीली चेस्ट की, ठीक है। उसके बाद में हम थोरासेंटेसिस, तो थोरासेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो निडल पंचर करके जिस एरिया में
पस फॉर्मेशन हुआ रहता है उस एरिया में निडल पंचर करके उसको एस्पिरेट करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में ब्लड कल्चर मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि हम मेडिकल मैनेजर, हमें पता चल गया कि किसी पेशेंट को लंग एब्सेस है तो हम उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे, मतलब इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे जो 6 to 8 weeks तक कंटिन्यू की जाती है, और उसमें मोस्टली हम देखते हैं पेनिसिलिन के साथ मेट्रिंडाजोल देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं पेशेंट की, अगर प्रोडक्टिव कफ प्रोडक्शन हो रहा है कफ का तो उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी करवा के हम उस कफ को, तो इसके बाद में हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाने के बाद हम पोस्टीरियल ड्रेनेज, तो पोस्टीरियल ड्रेनेज क्या होता है हमारा, पोस्टीरियल ड्रेनेज में हम पोजीशंस देखें, मतलब ऐसी पोजीशंस होती हैं जो पोजीशंस देखे हम अगर किसी लोब में पस फॉर्मेशन है या कुछ भी है तो उसको हम पोजीशंस की हेल्प से बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम अगर हमारे ब्रोंकस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्रोंको डायलेटर्स दे सकते हैं जिसकी हेल्प से हमारे जो ब्रोंकस हैं वो डायलेट हो सकते हैं, और म्यूकोलाइटिक्स दे सकते हैं। तो म्यूकोलाइटिक्स में हम देखते हैं कि जो म्यूकस होता है वो निकल जाता है हमारा, ठीक है, म्यूकस जो है एक लिक्विड फॉर्म में आके बाहर निकलने लगता है। देन इसके बाद में हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सबसे पहले ये देखेंगे हम सर्जिकल मैनेजमेंट दब करते हैं जब कोई भी पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट से उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सेगमेंटल लोबेक्टोमी करवा सकते हैं, तो जिसमें क्या होता है जिस पार्ट के, जिस मतलब लंग्स के जिस लोब में पस फॉर्मेशन है हम उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हमने देखा कि लंग एब्सिस क्या होता है, तो सबसे पहले हमने लंग एब्सिस की डेफिनेशन डील की कि लंग एब्सिस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि लंग एब्सिस के क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि एस्पिरेशन एक रिस्क फैक्टर है, एस्पिरेशन उसके वो किन किन वजहों की वजह से हो सकता है, मतलब एस्पिरेशन किसी भी पेशेंट में किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है। देन उसके बाद में हमने देखा कि लंग एब्सिस के क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब अगर कोई भी पेशेंट लंग एब्सिस का आया है तो उसमें हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो कोई भी लंग एब्सिस का पेशेंट है उसका कंफर्मेशन करने के लिए हमें पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने पड़ते हैं, तब हम कंफर्म कर पाते हैं कि ये पेशेंट लंग एब्सिस का ही है, ठीक है। देन इसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट, तो हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से कंफर्म हो गया कि ये पर्टिकुलर पेशेंट लंग एब्सिस का है, तो उस लंग एब्सिस वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमें मेडिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो हमने देखा कि हमने मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या किया। देन उसके बाद में हमने देखा कि सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम तब करते हैं जब उस पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।